डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ डिफरेंट फ्लेवर के अंदर इडली, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में इजी भी है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है फ्लेवर्ड इडली। इस फ्लेवर्ड इडली को बनाने के लिए मैंने सूजी लिया एक बाउल और उसके अंदर आधा बाउल दही मिलाकर इस तरह से मैंने बैटर तैयार करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो यानी मैं आधे घंटे के बाद इस बैटर को खोल रही हूँ और आप देख रहे हैं कि सूजी ने पानी जो है वो सोख लिया है। तो इस बैटर को थोड़ा सा मैं और ढीला करूंगी क्योंकि बैटर जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत हार्ड हो गई है, सूजी जो है पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी है। तो एक बाउल के अंदर मैं थोड़ा सा बैटर जो है डाल लूंगी क्योंकि मैं फ्लेवर्ड इडली बनाने जा रही हूँ, अलग अलग फ्लेवर की इडली बनाऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा बैटर डाल लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक कढ़ाई को मैंने गैस पे रख लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी सरसों, बिल्कुल थोड़े से हमने सरसों के दाने डाले हैं। इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, कड़ी पत्ता। नमक हमने बैटर के अंदर मिक्स किया था तो इसलिए हम नमक नहीं डाल दें। तो सरसों के दाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे गाजर। ये मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है, इसे कर देंगे मिक्स। बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे इसके अंदर, थोड़ी सी डालेंगे देगी मिर्च, ये तीखी नहीं होती बट कलर अच्छा आता है इससे। फ्लेम हमने कर दिया है ऑफ, इसे मैं एक प्लेट में डाल लेती हूँ। इस मिक्सचर को मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब हमने फ्लेम को दोबारा से जला लिया है, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी हींग, कड़ी पत्ता। अब इसके अंदर मैं डालूंगी शिमला मिर्च। ये मैंने शिमला मिर्च और हरा धनिया दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पीस लिया है। इसे मैंने दरदरा पीसा है, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया। इसके अंदर हल्का सा डालेंगे नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालना, कम ही डालना है। हल्का सा इसे भून लिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में डाल देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तेल गर्म हो गया है, थोड़े से डालेंगे सरसों के दाने, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मैंने डाली है चना दाल, करीब एक चम्मच। हल्का सा भून लेते हैं। इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसको भी हम ठंडा होने देंगे। ये मैंने माइक्रोवेव से प्लेट्स को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। मैं इसे माइक्रो में बना रही हूँ। आपके पास अगर माइक्रो नहीं है तो आप इसे कुकर में, कढ़ाई में, किसी भी चीज में बना सकते हैं। माइक्रो में इसे 4 मिनट लगता है लेकिन कुकर के अंदर इसे 15 मिनट लगते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है, इस बैटर के अंदर डालूंगी थोड़ी सी इनो, 1/4 मैंने इनो डाला है इसके अंदर। इनो डाल के मैंने इसे अच्छे से हिला लिया है और साथ ही डाल दिया है इसके अंदर मिक्सचर। ये मैंने इसके अंदर ग्रीन मिक्सचर डाला है और इसे अच्छे से कर दिया है मिक्स। मिक्स करने के साथ ही मैंने इसे डाल देना है इडली मेकर के अंदर। इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे। अब ये मैंने लिया दूसरा बैटर, ये सिंपल है। इसके अंदर भी डालेंगे इनो 1/4 चम्मच और इसके अंदर हम डालेंगे गाजर का मिक्सचर। इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये हमारा बन गया रेड के अंदर गाजर वाले फ्लेवर की इडली। ये हमने दूसरी प्लेट ले ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे बैटर। इसे अलग अलग इसलिए बनाया क्योंकि मैं अलग अलग फ्लेवर की इडली बना रही हूँ और साथ के साथ इनो जो है हमने साथ के साथ डालना होता है। इनो डालने के बाद हमने ज्यादा देर नहीं रखना होता, इसे भी हम टैप कर लेंगे। इस बर्तन के अंदर डाल के मैं पहले दोनों फ्लेवर की इडली बना रही हूँ। इसे 4 मिनट के लिए हम माइक्रो में 180 डिग्री पे रख देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, हमने इसे माइक्रो से निकाल लिया है। तो ये हमारी इडली बनके तैयार है, लेकिन हमने इसे एकदम से नहीं निकालना, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, हम इसे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं इडली हमारी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, बिना केमिकल के कलरफुल इडली। इसी तरह से हम दूसरी भी निकाल लेते हैं। तो अब हम बनाते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे पास बैटर बचा है प्लेन, इसके अंदर हम ये जो हमने अपना मिक्सचर बनाया था येलो में, ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो इस मिक्सचर को मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इनो, वही 1/4 चम्मच, क्योंकि बैटर को मैंने 3 पार्ट में कर दिया है। ये मैं 1/4 चम्मच इनो डाल रही हूँ और इसे कर दिया है मिक्स अच्छे से। इस प्लेट को मैंने दोबारा से ग्रीस कर लिया था और इस तरह से टैप कर लेंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे इसे।
सिर्फ चार है इसलिए इसे हम 3 मिनट के लिए रखेंगे। 3 मिनट हो गए, हमने इसे निकाल लिया है, तो ये इडली हमारी बनके तैयार है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, इसे भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये हमारी इडली बनके तैयार है। तो आपने देखा है कि कितनी अच्छी ये बिना केमिकल के, बिना कलर डाले, कितनी अच्छी ये कलरफुल इडली बनके तैयार हुई है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। तो अब मेरे पास ये बैटर है जो बच गया है तीनों में से, थोड़ा थोड़ा तीनों को हम कर देंगे मिक्स। ये तीनों बैटर को हमने मिक्स कर दिया है। ये मेरे पास पड़े हैं आइसक्रीम मोल्ड, बच्चों को करेंगे खुश। आइसक्रीम मोल्ड के अंदर हम डालते हैं बैटर। ये हमने एक बना दिया है, ये हमारा 2 मोल्ड के अंदर बैटर जो है आ गया है। दोनों के अंदर हमने मिक्स बैटर डाल दिया है और तो माइक्रो में हम इसे रखेंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे बनी है और बहुत अच्छी भी बनी है, बहुत ही डिफरेंट आइसक्रीम की शेप में इडली। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप ट्राई जरूर करें इन इडलियों को, आपको पसंद आएगी। फिर आपको ये मेरी रेसिपी जो है बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जरूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।